नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंगलवार यानी 3 जनवरी को राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था। ये यात्रा कांग्रेस के लिए कई मायनों में खास रही। ये यात्रा अधिकतर उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों से गुजरी। राहुल गांधी ने 2020 के दंगा प्रभावित इलाकों में मोहब्बत का संदेश दिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। इस दिन यात्रा बदरपुर से शुरू होकर लाल किला तक गई। लाल किला से राहुल गांधी ने भाषण दिया। इसके बाद इस यात्रा ने 9 दिनों का ब्रेक लिया और यात्रियों ने भी आराम किया। 9 दिन बाद 3 जनवरी को यात्रा दिल्ली के यमुना बाजार, हनुमान मंदिर, मरघट वाले बाबा से शुरू हुई और लोहा वाले पुल से शास्त्री पार्क, फिर गांधीनगर और फिर 2020 के दिल्ली दंगा प्रभावित इलाकों सीलमपुर, जाफराबाद और गोकलपुरी, कर्दमपुरी से होते हुए अपने अगले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। दंगा प्रभावित इलाकों में यात्रा पहुंचने से पहले ही लोग रोड पर बड़ी संख्या में जमा हो चुके थे। पूरे इलाके में जगह जगह मंच लगाए गए थे, जहां रंग दे बसंती जैसे देशभक्ति गीत और नज़में गाई जा रही थी। आपको बता दें कि फरवरी 2020 को मुस्लिम बहुल जाफराबाद रोड स्थित मौजपुर चौक पर CAA और NRC के बहाने दंगा भड़काया गया था और टारगेटेड हमले किए गए। इस दौरान पूरा उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका नफरती हिंसा की आग में जला था। इस पूरे ज़िले में सरकारी तौर पर 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। काफ़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी यात्रा का ज़्यादातर समय इन्हीं इलाकों में बिताया। जाफराबाद रोड स्थित बाबुल उलूम मदरसा है, जिसके मौलवियों ने पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति स्थापित करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी जब मदरसे के सामने से गुजरे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने तिरंगा दिखाकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी की इस यात्रा में लगातार भीड़ उमड़ रही है। उनकी यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा जिस क्षेत्र से गुजरती है वहां के लोग पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी का और यात्रा का स्वागत करते हैं। लोग उन्हें प्रामाणिक संस्कृति दिखाते हुए गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब तक 10 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों को कवर कर चुकी है। कांग्रेस की 3750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3750 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी, जहां श्रीनगर में तिरंगा फहराकर इसे संपूर्ण किया जाएगा। न्यूज़ क्लिक के ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हमारी हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट को निरंतर पढ़ते रहें। शुक्रिया।